मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ती थी, एफएससी की स्टूडेंट थी। मेरे कॉलेज के अकाउंट ऑफिस में एक नौजवान लड़का ऑफिस का इंचार्ज था। माशाल्लाह वो बहुत खूबसूरत था, सब लड़कियां उनको सर कहकर पुकारा करती थी। मैं भी उन्हें सर कहती थी, लेकिन सब उनको पसंदीदगी की निगाह से देखा करती थी, मैं भी, क्योंकि वो निहायत दिलकश थे। मैं उनसे प्यार कर बैठी थी, पता ही नहीं चला मैं दिन रात उनके बारे में सोचती, हर वक्त उनके ख्यालों में गुम रहती। ये दिल उनका बहुत दीवाना हो गया था। जब भी मैं ऑफिस के बाहर से गुजरती, उनको देखती और खुश हो जाती। उनसे बात करने के लिए मैं 100 बहाने ढूंढती, फिर ऑफिस का चक्कर लगाती और उनसे बात करती, तो दिल में इतनी खुशी होती कि पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरता। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे दिल में उनसे की हुई मोहब्बत और बढ़ती गई और सोचा करती कि काश मेरे पास उनका नंबर होता। उनसे बात करती, उनको बताती कि मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, वो ये सब जानती थी और मेरी बातें सुनकर वो हंसने लग जाती थी। फिर एक दिन मैंने दूसरे टीचर से बहाने से उनका नंबर लिया। जब उनका नंबर मेरे पास आया, मेरी खुशी की तो कोई इंतहा न थी। मैंने उनको मैसेज किया और हाय कहा। कुछ वक्त के बाद उनका जवाब आया और कहा, कौन? मैंने कहा, कॉलेज में पढ़ती हूँ। ऐसे ही बातचीत हुई। फिर उन्होंने कहा, क्या मैं आपसे मिला हूँ कॉलेज में? मैंने कहा, जी। लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा, कल ऑफिस आना और बताना। मैंने कहा, अभी खुद को आपके सामने जाहिर नहीं करना चाह रही, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अच्छे और अलग अंदाज से मिलूं। फिर उन्होंने डेयर दिया कि आप ऑफिस आना, मैं फिर गेस करूंगा। मैंने अपनी दोस्त के साथ डेयर मुकम्मल किया। मैं बहुत खुश हुई। घर आकर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया नहीं, उनको नहीं मालूम हो सका। ऐसे ही मैसेज पर बातों का सिलसिला बढ़ता गया। हम हर रोज एक दूसरे से बात करते। फिर आखिरकार वो खास दिन आ ही गया। मैं अपनी दोस्त के साथ ऑफिस गई और उनसे कहा, पहचाना? उन्होंने कहा, नहीं। फिर मैंने कहा, बात होती तो है मैसेज पर। वो बोले, क्या मतलब? मैंने फिर उनको बताया और वो मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहट देखकर मुझे उन पर और भी प्यार आया। उनको हमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सारे रास्ते मैं उनकी बातों को याद करती और खुश होती रही। आहिस्ता आहिस्ता उनसे बात करने की आदत सी हो गई। एक दिन मेरी दोस्त ने किसी बहाने से उनका नंबर मुझसे मांगा। मैंने भी उसको नंबर दे दिया। वो बात करने लगी। एक दिन मेरी दोस्त ने उनको सब कुछ बता दिया, सब कुछ, कि मैं उनसे प्यार करती हूं। उन्होंने बताया कि आपकी दोस्त ने कहा है कि आप मुझे पसंद करती हो। मैं कुछ पल के लिए मुस्कुराई और कहा, वैसे ही कह रही होगी वो, आप उसकी बातों को इग्नोर करें। लेकिन उनको समझ आ गई कि मैं पसंद करती हूं। मेरी दोस्त बार बार मुझे और उनको तंग करती और मैं बहुत खुशी महसूस करती। मेरे कॉलेज का वो आखिरी साल था, मेरे कॉलेज का आखिरी दिन था। मैं बहुत उदास थी। उस दिन बिल्कुल भी कॉलेज छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था। उनसे मिलने ऑफिस गई।
वो काम में बहुत मसरूफ थे। मैं बस 2 मिनट बैठी और बाहर आ गई और आंखों से आंसू आने लगे। मेरी दोस्त भी बहुत उदास होने लगी क्योंकि हम दोनों की कॉलेज लाइफ का वो आखिरी दिन था। मेरे लिए वो दिन बहुत उदास था, मेरा दिल बहुत परेशान और उदास था क्योंकि सर और दोस्त दोनों से मुलाकात का आखिरी दिन था। हम अपने कॉलेज को अलविदा कहकर अपने घर आ गए। सर से अब बात सिर्फ फोन पर होती थी। कुछ अरसे बाद उन्होंने बताया कि उनकी जॉब लाहौर हो गई है, बहुत अच्छी कंपनी में। मुझे खुशी भी हुई और दिल उदास भी हुआ कि अब मजीद दूर जा रहे हैं, वहां जाकर मजीद मसरूफ हो गए। मैंने कई बार उनको इजहार मोहब्बत किया लेकिन वो बोले कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मैंने कभी तुम्हें शादी की निगाह से नहीं देखा। मैं बहुत रोई, बहुत दुआएं की कि काश उनका दिल मेरे लिए बन जाए, काश वो मुझे अपना हम सफर बना ले, लेकिन वो नहीं माने। आज भी उनसे बात होती है, रोज दुआएं मांगती हूं, ए अल्लाह मेरी मदद कर और उनके दिल में मेरी मोहब्बत जाए।